बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, करीब 11 बजे होगी याचिका पर हियरिंग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज 11 बजे होगी। देखिए, इस पर लगातार याचिका दाखिल की गई थी और आज इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग होने वाली है। बुलडोजर कार्रवाई पर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर आज जो सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और आज इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग होने वाली इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बुलडोजर की कार्रवाई पर आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, इसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए रंजना, इस पूरे मामले को लेकर तीन राज्यों में जो हाल ही में खासकर यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से जो बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई की गई थी, आरोपियों के घर को बुलडोजर से तोड़ने की जो अभियान चलाए गए थे, उसके खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की अर्जी है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज करीब 11 बजे के बाद जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। यहां तक जमीयत उलेमा हिंद की अर्जी में कहा गया है कि इस पूरे मसले को लेकर सरकार की जो बुलडोजर कार्रवाई है उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आरोपियों का घर जिस तरह से सरकार की ओर से तोड़ा जा रहा है, वो बुलडोजर जस्टिस जो है वो बिल्कुल गलत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। क्योंकि जो मेन मामला है बुलडोजर एक्शन को लेकर, उसमें जहांगीरपुरी भी दिल्ली का है, जिस पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा रखी है, उसी तरह का जो आदेश है वो जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट से मांग रहा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना होगा कि जिस तरह से हाल ही में जो कार्रवाई की गई है तीन राज्यों में बुलडोजर एक्शन की, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रोक लगाता है या नहीं, ये आज सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ कर देगा। क्योंकि हाल में राजस्थान के जो जोधपुर में बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई की गई थी, आरोपी के घर को तोड़ दिया गया था, यहां तक अर्जी में कहा गया है कि एक तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लिहाजा इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। जस्टिस बी आर गवई की बेंच जो है करीब 11 बजे के बाद रंजना सुनवाई करेगी, उसके बाद स्थिति साफ होगी कि क्या तीनों राज्यों की ओर से जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, क्या उस पर रोक लगेगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आज अपनी स्थिति साफ करेगा। यानी कि सुमित, देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगेगा या नहीं, आज इस सुनवाई में तस्वीरें साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का जो जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई थी एमसीडी की, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगा रखा है, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रखा है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब जमीयत उलेमा हिंद इसी आदेश के तर्ज पर बाकी राज्यों में जो, खासकर तीन राज्यों में जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट जो है स्थिति साफ करेगा कि क्या जो हाल के जो राज्य सरकार की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है आज आदेश दे सकता है। अगर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है तो तीनों राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है और रोक भी लगा सकता है। तो इंतजार करना होगा 11 बजे के बाद का, जब जस्टिस बी आर गवई की जो दो जजों की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई करेगी, तब ये तय करेगी कि क्या बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। तो देखना होगा, 11 बजे का इंतजार करना होगा रंजना, जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखें। तो देखिए, आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। अर्जी में आरोपियों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। अर्जी में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया गया है। तीन राज्यों में बुलडोजर एक्शन का ये पूरा मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आएगा।